बिहार में सत्ता की चाशनी में डुबकी लगा रहे जेडीयू के लिए इन दिनों उन्हीं के पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा सरदर्द बन गए हैं, जिसका मजा अब भारतीय जनता पार्टी लेने लगी है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का समर्थन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। देखिए, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चरम पर है और राजनीतिक अस्थिरता लाने वाले जो भी योद्धा रहे हैं, ये बिहार की जनता के जनादेश के साथ अपमान कर रहे हैं। बिहार के लोगों को भ्रम में डालकर अपनी सत्ता लोलुपता और प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं। ये सत्ता सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बना है, ये सत्ता कोई सिद्धांत के लिए नहीं, ये सत्ता कोई सेवा के भाव के लिए नहीं बना है। आज राजद जदयू का ये जो मिलन है और जो ये गठबंधन हुआ था, ये अपने स्वार्थ अहंकार महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना था, दूसरे को मुख्यमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी के डील के कारण ये समझौता हुआ था। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी कभी सच को बोल देते हैं, लेकिन ये भी पूरी सच नहीं बोल पाते हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन होता है तो ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। एक दूसरे को ठगने में बिहार की जनता ठगा रही है और ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोग जो सत्ता में सिर्फ लूटने के लिए, सेवा की भाव के भाव से नहीं, लूटने के मकसद से बैठे हैं, अब इनको जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार विधानसभा को भंग करना चाहिए, बिहार विधानसभा के अंदर नया जनादेश लेना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण बन गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कोई कमजोर नहीं कर सकता। नीतीश कुमार कई ऐसे बड़े बड़े समस्याओं को अकेले समाधान कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात तो वो अपने मन से कुछ भी कह रहे होंगे, महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। धमाका आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और राम डेडिकेटेड नेता के रूप में हैं, पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, इसलिए वो धमाका की बात का धमाका उत्साह करेंगे, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन बहुत शीर्ष पर चल रही है। तो उन्होंने तो कहा है कि एक डील भी हुई है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि आपकी सरकार के पार्ट है, जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो एक डील हुई है, तो क्या आपको भी उस डील की जानकारी है? अब डील क्या हुई है पता नहीं, लेकिन एक डील तो है, वो डील है और जो नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट बोले हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद जी, ये भी तो एक डील है। तो मांझी जी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? भाई, अगर नीतीश कुमार की कमजोर होने की बात लोग जो सोचते हैं, उनका मन का दोष है, उनको मन का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इतना सबल है और इतना सबलता से काम कर रहे हैं, जो आज तक श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जो इतनी मजबूती के साथ राज्य का सेवा किया। आप लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर मंत्री पद मिल जाता, उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता, तो कहीं कुछ ठीक ठाक रह सकता था, इसलिए थोड़ी नाराजगी है? इसके लिए एक पूर्वहर ने कहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं, तो अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है। वही उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं उनसे सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ। खुद में अपने में चाणक्य से ऊपर है और वो सबको, उनको सब कुछ समझ है। मुझे लगता है कि उपेंद्र जी समझेंगे चीज़ों को और उनको सलाह देना मेरे बस की चीज़ नहीं है। हम तो आग्रह ही करेंगे कि 2024 में यदि लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं तो सारे विपक्ष को पेशेंस के साथ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में कांग्रेस के नेतृत्व में काम करें। बता दें कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा नीतीश को और जेडीयू को बार बार कमजोर बता रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा से सियासत में आगे क्या घमासान होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।